तो सादर प्रणाम, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आज हमारा विषय जो है चुनावी चर्चा के तहत बिहार पर जाकर अटक गया है। बिहार में इसलिए अटक गया है कि वहां पर बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है। एनडीए में कब कौन अंदर आ रहा है, कब कौन बाहर जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार एक समय पर एनडीए के खिलाफ पूरा गठबंधन देश में बनाने चले थे, वो एनडीए के बड़े सशक्त हस्ताक्षर है। इसी प्रकार से एक और नेता थे, उनका नाम था पशुपति पारस। पारस मतलब लोहे को भी छू दे तो सोना हो जाए। वो पारस खुद निरे पत्थर होकर रह गए जब एनडीए के द्वारा सीट शेयरिंग के संदर्भ में ऐलान कर दिया गया। 40 सीट, 17 सीट पर भाजपा, 16 सीट पर जेडीयू, उसके बाद में 5 सीटें दे दी चिराग पासवान को, एक एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के पास पहुंच गए। अब जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मानित मंत्री थे, नाम है पशुपति पारस, वो टापते रह गए और उनके साथ में 5 और सांसद थे, वो भी टापते रह गए। कुल मिलाकर जो चिराग पासवान 3 साल पहले भाजपा के द्वारा खारिज कर दिए गए थे, वो अचानक दुलारे हो गए। और जो मंत्रिमंडल की शोभा 3 साल तक बता रहे थे और साथ ही साथ रामविलास पासवान का अपने आप को उत्तराधिकारी बन बैठे थे, वो सड़क पर आ गए, इस्तीफा भी दे दिया, इस्तीफा मंजूर भी हो गया। तो आज हमारा यही विषय है, भतीजा वजनदार, चाचा दरकिनार। ऐसा क्या हुआ 3 साल के भीतर कि जिस भतीजे को दूध में मक्खी की तरह निकाल कर कोने में डाल दिया गया था, वो भतीजा अचानक आंख का तारा हो गया और जो पशुपति पारस सिंहासन पर बैठे दिखाई दे रहे थे, वो सड़क पर खड़े होने को मजबूर हो गए। तो यही हमारा आज का विषय है। हमारा इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान है हमारे साथ। देवजानी मित्रा जी हैं, प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की, अर्थात चिराग पासवान जी के प्रत्युत्तर में जो सामने खड़े हैं, पारस पासवान उनके तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर विनी सिंह है, प्रवक्ता है चिराग पासवान, सबको खेल जाते हैं, अर्थात भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ता मुकेश त्यागी जी हमारे साथ हैं। तो चर्चा की शुरुआत हम मुकेश जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 बयान देखेंगे, एक बार उन बयानों पर दृष्टि डाल लेते हैं। है कि हाजीपुर जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। ना मैं किसी चुनौती से कभी घबराया, ना कठिन विपरीत परिस्थितियों में ना मैं कभी विचलित हुआ। ऐसे में इस चुनौती को भी मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं। ये फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीति में अपने अंतिम सांस तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। ये वादे, ये दावे वे करते आए हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वह स्वयं रोड़ा बनेंगे? देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारे पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। तो मुकेश त्यागी जी, हम जब इतिहास पढ़ते थे ना, तो जर्मनी के इतिहास में एक नाम आता था बिस्मार्क। उनके संदर्भ में बताया जाता था कि वो बाजीगर थे, वो 2 गेंदे हाथ में और 1 हवा में रखते थे। अब बिस्मार्क को तो हम नहीं देख पाए, पर आप लोगों को देख लेते हैं। क्या कहते हैं, कभी चिराग पासवान हवा में, अब पशुपति पारस हवा में। मुकेश जी, अपने इस गुण के संदर्भ में कुछ रोशनी फैलाइए, लाभान्वित कीजिए हमारे दर्शकों को। डॉक्टर हिमांशु जी, देखिए बड़ी दिलचस्प राजनीति चल रही है इस वक्त, और जिस प्रकार से चाचा भतीजों के बीच में दरार जो है सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार और अजीत पवार के बीच में, उधर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में, और इधर जो है चिराग पासवान और पारस जी, पशुपति पारस जी के बीच में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रकार के राजनीतिक हलचल मची हुई है चाचा और भतीजे के बीच में, प्रतिस्पर्धा है। लेकिन बिहार के अंदर मैं समझता हूँ कि चिराग पासवान ने अपना एक मौलिक चरित्र को कभी नहीं छोड़ा। जब भी चुनाव थे, जबकि वो उनको हमारे अंदर नहीं थे एनडीए के हिस्से, तभी भी वो उनको प्रधानमंत्री को हनुमान, वो अपने आप को उनका हनुमान कहते थे, और कई ऐसी चुनावी कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहां पे आमने सामने मुकाबला करने के लिए, तो जो एक प्रकार का सम्मान था। और देखिए वहां 5% पासवान है, वो उनके पुत्र हैं रामविलास जी के, रामविलास जी जिन्होंने 2020 में
इस पार्टी का गठन किया था और वो एक इतने बड़े नेता थे, हाजीपुर से लगातार चुनाव जीतते गए, जेल से भी लड़े तो उनको बड़ी संख्या में मिली, तो उनके जो पुत्र हैं वो अगर चुनाव में आ रहे हैं और उनकी स्थिति आप एक बताओ हिमांशु जी, आपने देखी होगी कि इवन असेंबली के चुनाव के अंदर भी उनको एक सीट भले मिली हो लेकिन उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था और सेकंड नंबर पर आके खड़े हो गए थे। तो उनकी जो लोकप्रियता है उनके पिताजी की वजह से, ठीक है उनका चाचा के प्रति एक सम्मान था और आपस में दरार पड़ी, उनको उनको 5 MP मिले, लेकिन मैं समझता हूं आज जो जमीनी चुनावी जो है एक समीकरण बदल चुके हैं, अब लोग समझ गए हैं कि आगे का जो भी विरासत का असली अधिकारी जो है वो चिराग है, वो युवा है, वो युवा हृदय। दो सवाल है मेरे बहुत विनम्रता के साथ आपसे। ये तो क्या है कि वो परिवारवाद के खिलाफ आप पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस लड़ाई का ही एक स्वरूप आपने ये कर दिया कि परिवार में ही दरार डाल दे। अभी आप ही बता रहे थे देखो महाराष्ट्र में चाचा भतीजे के बीच में दरार हो गई, किसके कारण हो गई? आपके कारण हो गई। अब पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में दरार है, किसके कारण है? आप गर्व से कह सकते हैं हमारे कारण है। तो आप अपनी इस उपलब्धि पर कितने मुग्ध हैं, एक तो ये जानना था, और दूसरा मुझे जानना ये था कि चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, इसकी जानकारी आपको 2024 में हुई? 2021 में आपको नहीं पता था कि रामविलास पासवान कितने बड़े नेता है और उनके बेटे चिराग पासवान है? जो आज आप हमें बता रहे हो वो क्या है? आपको पता है रामविलास पासवान बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने वो पार्टी बनाई थी, जेल से भी चुनाव जीते थे, उनके बेटे ही चिराग पासवान बड़े लोकप्रिय हैं। तो 2021 में चिराग पासवान किसके बेटे समझे हुए थे आप, जो आपने उस समय चिराग पासवान को कोने में कर दिया था और पशुपति पारस के गले में आपने हार डाल दिया था? थोड़ा समझाइए ना मुकेश जी, बहुत दिलचस्पी है हमारी। देखिए सबसे पहले मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि हमने ये विभाजन कराया है। अगर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में आपस में मतभेद हुए थे, उनमें आपस में तोड़फोड़ हुई थी, तो उसकी जिम्मेदारी या भारतीय जनता पार्टी हो, तो पिता और पुत्र के बीच में वो परिवर्तन आ गया था। अरे छोड़िए, बीच में आ गया है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव, चाचा भतीजे की बात हो रही है। शिवपाल यादव जी को पर्याप्त महत्व दिया भाई आपने, कैसे अपने योगदान को भूल जा रहे हैं मुकेश त्यागी जी? थोड़ा याद किया कीजिए अपने योगदान को, अपनी मेहनत को, अपने सामर्थ्य को। आप भूल जाते हैं मुकेश जी अपने ही सामर्थ्य को, हमें जामवंत बन के आपको याद दिलाना पड़ता है। वो हनुमान बताइए चिराग पासवान हो, पर अभी तो आप हनुमान की भूमिका में दिखाई दे रहे। नहीं लेकिन हमारा इसमें कोई रोल नहीं, ये स्वाभाविक, इनके आपस में समीकरण टूटे हैं, हमारा कोई इसमें नहीं। हाँ हमको देखिए नंबर वन क्राइटेरिया हमारा हिमांशु जी विनेबिलिटी है, हमको 400 से पार जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके आने हैं, तो इसके लिए हमको ऐसे कैंडिडेट्स का चुनाव करना पड़ेगा जो कि वहां पे सबसे ज्यादा। तो मतलब आप ये मानते हैं मुकेश त्यागी जी की 2021 में आपसे गलती हुई, दमदार व्यक्ति जो थे वो चिराग पासवान थे, आपने गलत घोड़ा चुन लिया था, गलत व्यक्ति आपकी पसंद हो गई थी, पशुपति पारस को आपने प्राथमिकता दी चिराग पासवान की जगह पर, 3 साल बाद आपको एहसास हुआ कि आपने गलत व्यक्ति चुन लिया था, असल तो चिराग को चुना जाना था, ऐसा है? एक सेकंड, एक ही लाइन बोलूंगा स्पष्टीकरण का। नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान की जो रसायन था वो इतना अच्छा नहीं था, तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक कारण रहा होगा कि जिसकी वजह से पशुपति जी को प्राथमिकता दी गई, लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। बहुत ही लोकप्रिय है चिराग पासवान, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है और यंग है, और मैं समझता हूँ आप देखिएगा पांचों की पांच सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाली, पांचों की पांचों सीटें झोली में डल जाएंगी। तो देवजानी मित्रा जी आपके पास आता हूं, क्या कहते हैं मुकेश जी ने तो बता दिया, देखो भविष्य जो है ना वो चिराग जी के साथ है, पशुपति पारस अतीत हो गए, चिराग भविष्य हो गए, भविष्य देखें या अतीत देखें, क्या कहती है आप? वक्त के साथ आप अपने आप को साबित नहीं कर पाए, फिर यहाँ पे भाजपा के जो प्रवक्ता है उनको भी नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि उनका भी उम्र जो है वो 50 के ऊपर ही होगा, क्योंकि भाई बीजेपी ने अभी एक एग्जांपल सेट करने का तरीका ढूंढ लिया, जो पुराना है उसको उतारो, अगर जो पुराना है उसको उतारो तो पीएम मोदी को उतारो, अमित शाह को निकालो, जेपी नड्डा को भगाओ, मैं भी तो यही बोल सकती हूँ भाई, अगर परिवारवाद की राजनीति आप लोग नहीं करते हैं, और हम तो भैया पीएम मोदी के फैन है, मोदी का परिवार है हम लोग, हम लोगों ने शुरू से लिखा है कि मोदी का परिवार और मोदी जी के कोई मैंने 100 जन्मों तक किसी का भी साथ, क्या कहते हैं, उन्होंने चाय वाला से अपनी जर्नी शुरू की, और अचानक से देखिए मैं चिराग जी के खिलाफ नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, उनके दल में इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं जो पैसा एक एक इकट्ठा किया, माचिस लगाया, आग लगा दिया, पैसा दिखाया, सभा की एंगल बना बना के वो किया, अब देखने वाली बात, आर यू श्योर कि इस बार 400 पार होगा? हम लोग भी चाहते हैं 400 पार है, दिल से चाहते हैं कि
कि 400 पार हो, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में 40 के 40 नहीं होगा। रीजन मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ और इस बार मैं गलत होना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जो एग्जाम्पल सेट किया है, चाचा भतीजे के बीच में लड़ाई आपकी वजह से हुई, और तीसरे नंबर की पार्टी जो नीतीश कुमार को बनाने का काम चिराग कुमार पासवान की पार्टी ने किया था, हम लोगों ने नहीं किया था, और जो दरारें पड़ी थी उस वक्त नीतीश कुमार जी के वजह से ही पड़ी थी। और भाई कुछ दिन पहले तो चिराग जी और नीतीश जी में संबंध अच्छे नहीं थे, एंड आई एम श्योर आज भी अच्छे नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद फिर से वो जंग शुरू होगी, क्योंकि सीएम की लड़ाई तब होगी, क्योंकि सीएम की कुर्सी के लिए क्या बीजेपी दिल पे हाथ रख के बोल सकती है कि ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार 2025 में नीतीश कुमार जी होंगे? मुझे तो नहीं लगता है। अच्छा एक बार बताइए देवजानी मित्रा जी, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ आपकी दलीलों से, आप हो कहाँ? आप अभी भी एनडीए के साथ हो? माननीय पशुपति पारस ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो क्या अभी भी आप एनडीए के साथ ही बने रहने वाले हैं या इंडिया में अपनी संभावना देख रहे हैं? और जब तक संभावना नहीं बन जा रही है तब तक एनडीए में बने हुए हैं, कहां आप? सबसे बड़ी बात है अभी जो स्थिति हमारे पार्टी में है, मैं आपको एकदम स्पष्ट कर देती हूँ। अभी इस्तीफा देने के बाद सर अभी पटना में है, आज भी हम लोग गए थे कार्यालय, कल भी हम लोग गए थे कार्यालय, वो मौन है, वो चुप है। लेकिन चुप होने का मतलब ये नहीं कि वो हारे हुए हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, हाजीपुर नॉन निगोशिएबल है, हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। अब ये मत सवाल कीजिए कि किसके साथ लड़ेंगे, डेफिनेटली हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो मोदी जी के अगेंस्ट है। लेकिन कभी कभी जनाधार है कि नहीं, दलित वोट किसी की बपौती संपत्ति नहीं है, पासवान किसी के बपौती संपत्ति नहीं है, तो वो दिखाने का काम अगर चिराग पासवान अगर युवा होकर कर सकते हैं तो बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि समय आ गया है कि थोड़ा बूढ़े शेर को भी झाड़ के उठने का समय आ गया है, तो दिखा देंगे हम लोग भी। और अगर इसमें अगर जैसे भी चिराग जी ने बोला, क्या मेरे चाचा जी ऑनरेबल पीएम के खिलाफ जाएंगे? तो जी हाँ, हम लोग जाएंगे और ये साबित करेंगे कि अगर हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग देवजानी जी, आप तो पहले खुद ही कंफ्यूज हो। अभी 30 सेकंड पहले आपने बोला मोदी जी के खिलाफ तो हम जा ही नहीं सकते हैं, अभी आपने बोला हम खिलाफ जाएंगे। पहले तय तो करो यार, आप कहां जाओगे? है विनीत जी यांग है, मैं यांग हूं, मुकेश जी को भी नहीं होना चाहिए, मुकेश जी का भी एज हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए तब तो सारे। हाँ तो मुकेश जी को सीधे खारिज कर दो, पता नहीं मुकेश जी से आपकी क्या नाराजगी हो गई, कोई उन्हें आज तक जो है ओल्ड मैन नहीं कहा, आप ही अचानक ओल्ड मैन उन्हें बता रही है। मुकेश जी को बहुत बुरा लग रहा होगा, मैं आऊंगा मुकेश जी आपके पास में। अभी कहां आपकी उम्र इतनी हुई है? पर मैं अभी तो डॉक्टर विनीत सिंह के पास आना चाहता हूं, विनीत जी आपसे जानना चाहता हूं, भाई समझाओ तो सही ये खेल कैसे किए, जिन्होंने आपको खारिज किया था 3 साल पहले वो आज समय आपको गोद में उठाए हुए हैं, ऐसा आप कैसे कर पाए? डॉक्टर साहब नमस्कार, गुड इवनिंग जी, आशा है मेरी आवाज आ रही होगी। अरे बहुत बढ़िया से आ रही है, अभी तो आप ही की आवाज सुनी जा रही है भाई। डॉक्टर साहब चोट गहरा है, धक्का बड़ा लगा है, तो आप माफ कर दीजिए जी किसको। और जहां तक अभी जिनके बारे में आप कह रहे थे कि थोड़े से कंफ्यूज हैं, ना 3 में ना 13 में, ना इतो ना तथस्तो संस्कृत में कहा जाता है, ना इधर ना उधर जी, तो थोड़ा चोट गहरा है, समय लगेगा जी। अब हम आते हैं डॉक्टर साहब की आखिर कारण क्या रहा है जी। देखिए बड़ा पुराना एक शेर रहा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं उसको भूल रहा हूं कि खुशी इतनी आपकी याद नहीं रह रहा। नहीं नहीं मैं बाद में बताता हूं, मैं आपको मैं उसके लास्ट में कहूंगा जी। मुद्दे पे आता हूं, मेहनत जो है ना दैट्स द ओनली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर डॉक्टर साहब जी। 3 साल पहले जो प्रपंच करके षड्यंत्र करके पार्टी और परिवार को तोड़ा गया था और अनुकंपा पे कोई मंत्री बना था जी, मतलब जिस व्यक्ति को ये भगवान मानते थे, उनके मृत्यु के बाद 6 महीना भी उनके पुत्र को नहीं साथ रख पाए जी, और अपने महत्वाकांक्षा और स्वार्थ सिद्धि हेतु वो पार्टी तोड़ के निकल गए जी। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा है, हालांकि बीजेपी ने नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें खारिज नहीं किया था जी, उस समय भी हम उनके उनके साथ हमारे आत्मीय संबंध थे। ये जो नरेटिव जो गढ़ा गया था ना कि चिराग पासवान जी की राजनीतिक हत्या हो गई है, अब उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, इससे हम मरमाहत थे। और 3 साल हर कार्यकर्ता, और मैं बता दूं डॉक्टर साहब कि मेरे नेता के बाद अगर किसी ने तंज झेला है, किसी ने अगर लांछने झेली हैं, कमेंट झेला है, तो हम प्रवक्ता लोगों ने झेला है। वो कहते थे कि भाई आप लोग पिछलग्गू हैं, हनुमान है, क्या हुआ उनका जी,
तो आज मैं आपके माध्यम से, मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा, पर आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारी मेहनत की जीत हुई है और ये जो जीत है हमारे माध्यम से जनता ने बताया है जी। बड़ा बढ़िया समय मिला था कि आप हाजीपुर को एक बढ़िया उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट सर्वांगीण विकास कर सकते थे जी। पर मलाई खाने से फुर्सत मिले तब तो जी। लेकिन चिराग पासवान जी ने वो करके दिखाया जो हमारे दिवंगत नेता करते। अच्छा एक बात बताओ विनी जी, बाकी तो सारी बात ठीक है, पर रामविलास पासवान जी ने अपने जीते जी हाजीपुर पशुपति जी के हवाले क्यों किया और चिराग को जामुई क्यों भेजा? भाई सवाल है ना, हाजीपुर में रामविलास पासवान जी को पशुपति क्यों भाए? थोड़ा इसके विषय में आप हमें बताएं। डॉक्टर साहब बड़ा मौजूद सवाल है। कहते हैं कि विश्वासघात वही करता है जिसपे आप विश्वास करते हैं। अच्छा भाई, जो रामविलास पासवान जी अपने दोनों भाइयों को लेके बदनाम थे जी, परिवारवाद परिवारवाद कहते हैं, उसी भाई ने अपने राम जैसे भगवान जैसे भाई को धोखा दिया। तो हमारे दिवंगत नेता को तो यह बात नहीं मालूम था ना, ये तो जाने के बाद मालूम चला। और कैसे धोखा दिया, थोड़ा बताइए तो सही ना, जरा पता तो चले धोखा क्या दे दिया। पशुपति जी ने अपने आप को मंत्री पद की शपथ दिला ली, ये धोखा हो गया? साहब सिलसिले वापस बताते हैं, मंत्री जी के जब दिवंगत हमारे नेता थे रामविलास पासवान जी थे, उनके जीवित रहते हुए ही चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और पशुपति पारा जी प्रपोजर थे उस नाम के जी। तो जब एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वोपरि होता है किसी भी संगठन में जी। अब वो जो बीमार पड़े हुए हैं तो उनके पीठ पीछे अपनी महत्वाकांक्षा को साधने के लिए आपने पार्टी को तोड़ दिया, धोखा उसको कहते हैं। दूसरी बात, चिराग पासवान जी हाथ में कैनुला लगाए हुए पहुंचे हुए हैं, डेढ़ घंटा इंतजार कर रहे हैं, उनकी माता जी फोन कर रही हैं, आप उनसे मिलने नहीं आते हैं, धोखा इसको कहते हैं। और ये जो इनकी जो कहते हैं ना कि जो ऊपरी जो आवरण था वो जनता ने बिल्कुल उजागर कर दिया है। अच्छा एक बार बताओ विनीत जी, जितनी नाराजगी आपको पशुपति पारस जी के द्वारा तथाकथित तौर पर दिए गए धोखे से है, ऐसे धोखेबाज को अपने साथ गले लगाए हुई थी भारतीय जनता पार्टी, उससे आप इतने नाराज क्यों नहीं है भाई? भाई पशुपति पारस क्या कर रहे हैं ये तो भाजपा भी देख रही थी, पर भाजपा ने चिराग पासवान को घर बिठा दिया, पशुपति पारस को मंत्री बना दिया, वो भाजपा आपको क्यों इतना भा रही है, इसके विषय में आप कुछ बताएंगे? या उतने नाराज आप भाजपा से भी हैं, समय आने पर उनसे भी हिसाब चुकता करेंगे, अभी समय नहीं है। डॉक्टर साहब जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जो नैरेटिव जो गढ़ा गया था कि हमारे पास ही जनाधार है, जो रामविलास पासवान जी का जो वोट बैंक था हमारे पास ही जी, तो तीन साल में हमने उसको, जैसे मैं जब शेर कह रहा था, मैं अभी मैं कह देता हूं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से जी। तो ये जितने भी आडंबरी लोग थे, बनावटी लोग थे, इंग्लिश में इसको फेक कहते हैं ना, जनता ने तीन। अच्छा एक बात बताओ विनीत जी, फिर मैं चलता हूं मुकेश जागी के पास, आप रामविलास पासवान जी से कितने नाराज हैं जिन्होंने कागज के फूल से खुशबू दिलाने की कोशिश की और हाजीपुर से जो है पशुपति पारस को चुनाव लड़वाया? भाई कागज का फूल है ना, तो कागज के फूल को असली फूल बताने की गुस्ताखी किसने की? सम्माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनसे कितने नाराज हो आप? डॉक्टर साहब नाराजगी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रेम में आप कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे रामविलास पासवान जी हमेशा कहते थे पशुपति पारस के बारे में, ये मैनेजर है, ये कोई नेता नहीं जी, लेकिन प्रेमवश आप कोई निर्णय लेते हैं उसमें चूक हो जाती है, नाराजगी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं। तो मैं वापस आता हूं मुकेश त्यागी से, तो मुकेश त्यागी जी आपसे जानना है, पारस पासवान की उम्र रही 3 साल, चिराग पासवान कब तक? नहीं नहीं देखिए ऐसा है कि मोदी जी को जो है 2047 तक भारत को विकसित श्रेणी में लेके आना है जी, और उनका जो सपना है और संकल्प है वो ये है कि हम विश्व की सबसे भारी प्रभारी इकोनॉमी बने जी। तो उसके समीकरण के अंदर जो भी फिट बैठता है मोदी जी उसके लिए ही काम करेंगे जी। और मैं समझता हूँ चिराग पासवान का जो एक बहुत बड़ा मुस्तकबिल है, और दूसरा अभी आप ही देखिए कि चाचा को जो है इवन आरजेडी से इनके डायलॉग्स चल रहे हैं, वहां पे सुनील सिंह इनके एक एमएलसी हैं, उन्होंने कहा भाई ये तो देखिए, उन्होंने बड़ी अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया कि चले हुए कारतूस थे, फूके हुए कारतूस थे, तो वहां पर भी बाधाएं आ रही हैं। तो इस समय स्थिति इनकी जो है बहुत ही गंभीर अवस्था में। मतलब आप क्या चाहते हो, मतलब आपने उनको घर से बाहर निकाल दिया, अब भले ही महल ना मिले भाई, कोई कुटिया वुटिया के संदर्भ में कोशिश करे तो आपको उस पर भी एतराज है? मतलब मुकेश जी ये बोल रहे हैं देखो इनकी आरजेडी से भी बातचीत चल रही है, मतलब क्या करें वो इस समय पर,
संन्यास लेके बैठ जाए। आपने उन्हें बीच रस्ते पर जो है उतार दिया है, क्या करें पशुपति महाराज, आप ही बताओ। मैं ये समझता हूँ क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। अगर उनको लगता है भतीजा उत्पाती हो रहा है तो अब वो इतने वरिष्ठ हो गए हैं, उनका एनडीए के साथ उनका बड़ा गठजोड़ रहा है। अभी देखिए प्रवक्ता देवजानी जी बोल रही कि हम मोदी जी के प्रति हमारा बहुत सम्मान है, वो इधर की भी बात कर रही थी उधर की भी बात कर रही, तो अभी भी देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उनको संगठन के लिए काम करना चाहिए, हाजीपुर में चुनाव न लड़ करके एक प्रकार से जैसे कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए आप राजनीतिक रूप से आइए और भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। आपका भतीजा ही लड़ रहा है, आपका पुत्र के समान है, उसके प्रति आप सम्मान और प्रेम दिखाइए, ना कि आप उसके खिलाफ लड़के। हाजीपुर में आप मंत्री रह चुके हैं, तो मैं अगर इनकी जगह होता तो मैं समझता हूँ मैं पूर्ण रूप से अपने भतीजों को समर्पण देता और अपनी जो राजनीतिक मुझको लाभ मिला है भारतीय जनता पार्टी से एनडीए से, उसमें एक सम्मान मिला है, केंद्रीय मंत्री आपको बनाया गया, आपको तमाम प्रकार की वो दी गई। आपने ये काम 3 साल पहले क्यों नहीं कर दिया? अगर उसी समय पे आपने चिराग पासवान को मंत्री पद की शपथ दिला दी होती और ऐसे नेक ख्यालात पशुपति पारस से साझा कर लिए होते तो ऐसा तमाशा हो ही ना रहा होता। उस समय तो हवा इस फूट को आपने ही दी, आपने चिराग पासवान को घर से बाहर निकाल दिया जिसको वो रामविलास पासवान का स्मारक बनाना चाहते थे, और दूसरी तरफ पशुपति पारस की मंत्री पद की शपथ करा दी। उस समय आपने ये बड़प्पन, ये उदारता, ये समझदारी का परिचय क्यों नहीं दिया मुकेश जी? हिमांशु जी, उस समय राजनीतिक परिस्थितियां बहुत बड़ी अलग थी और आज मैं समझता हूँ राजनीतिक परिस्थितियों में बहुत फर्क आ चुका है, और जिस गठबंधन में पारस जी जाने की सोच रहे वो तो पहले ही डूब चुका है। उसका तो जो मुझे लगता है फ्यूचर ही डार्क में है। वहां जाकर के हालात बदल गए। मुकेश त्यागी बड़े व्यवहारिक आदमी है, उन्होंने सीधे कह दिया भाई उस समय पशुपति पारस उपयोगी थे, अब चिराग पासवान उपयोगी है। तो क्या कहती हैं देवजानी मित्रा जी, आरजेडी के साथ कुछ संभावनाएं देखेंगी या चिराग पासवान को फिर से बाहर होने का इंतजार करेगी जैसे चिराग पासवान ने इंतजार किया? देखो एक समझदारी की बात रही, चिराग पासवान इफ्तार पार्टी में तो गए तेजस्वी यादव के, पर उन्होंने उस गठबंधन का हिस्सा अपने आप को नहीं बनाया, संवाद रखा पर उसका हिस्सा नहीं बने। तो आप भी वैसी ही समझदारी दिखाएंगे, इंतजार करेंगे चिराग पासवान कितने दिन रह लेंगे, 6 महीने साल भर, क्या कहती है? सदैव अकेले खड़े होने का साहस कीजिए, दुनिया ज्ञान देती है साथ नहीं, तो थैंक यू फॉर योर ज्ञान, वी डोंट नीड इट। और अकेला सफर एक समय शुरू किया गया था तो हम लोग फिर से शुरुआत कर रहे हैं, और संगठन कितना मजबूत है मुझे लगता है कि चिराग जी को या फिर आपको ये देखने की जरूरत है। हम लोग राष्ट्रीय पार्टी है और ये वक्त बता देगा, लोकसभा चुनाव सामने है, हाजीपुर का चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि हम लोग को किसी और की सहारे की जरूरत नहीं इस वक्त। मैं आपको ये बता देती हूँ मुकेश जी, शायद आपको पता नहीं, हाजीपुर से, जमुई से, समस्तीपुर से, वैशाली से हमारे पास इतने कॉल्स और इतने मैसेजेस आ रहे हैं। एक छोटा सा बात कि ये जो आपने जो किया एक बुजुर्ग को 71+, हालांकि हमारे ऑनरेबल सीएम भी 73+ है, हमारे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी भी 70+ है, तो ये बुजुर्गों को हटाओ और युवाओं को लाओ ये जो नारा आपने लगाया है, तो हम लोगों का मोदी जी से कोई बैर नहीं लेकिन चिराग का खैर नहीं। तो ये रणनीति हम लोग अपना रहे हैं और हम लोग दिखा देंगे कि आज ही तो ये आप कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये तो चिराग पासवान भी बोल रहे थे पिछली बार में, मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, तो आप ये कॉपी पेस्ट पे क्यों चल रहे हो भाई? पशुपति पारस के रस्ते पर चिराग चले तो समझ में आता है, ये चिराग के रस्ते पर पशुपति पारस जी की पार्टी जा रही है, ऐसी नौबत आपकी क्यों आ रही है? सबसे बड़ी बात है अभी हम लोग चुनाव लड़ेंगे लेकिन डेफिनेटली किनके साथ गठबंधन करेंगे या गठबंधन की जरूरत है कि भी कि नहीं, मुझे अभी मुझे नहीं लगता है कि वो सही समय है बताने का, लेकिन इतना हम आपको जरूर बता दे रहे कि दुनिया ज्ञान देती है साथ नहीं, तो हमें लोगों का ज्ञान नहीं चाहिए, आप अपना ज्ञान अपनी पार्टी के लिए। अब इस समय भाजपा का ज्ञान नहीं चाहिए, जब तक साथ मिला तब तक के लिए धन्यवाद मुकेश त्यागी जी, ऐसा कहना है देवजानी का। लेकिन मुझे वापस विनीत जी के पास आना है एक बार, ये आपके वादों का क्या होगा भाई? ये चिराग पासवान जो है ना जामुई से सांसद है विनीत जी, और अभी हाल ही में वो जामुई गए तो उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं जामुई नहीं छोड़ूंगा, और अब वो बोल रहे हैं कि हाजीपुर से ही लड़ूंगा, तो थोड़ा बताओ विनीत जी क्या होने वाला है? जामुई के साथ किया हुआ वादा एक हाजीपुर के लालच में छोड़ देंगे क्या, तोड़ देंगे क्या? डॉक्टर साहब मैं आपके सवाल पे आता हूं, बस 1-5 सेकंड में एक उत्तर दे दूं देवजानी जी की। भाई राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लिखने से राष्ट्रीय पार्टी नहीं है आपकी, राष्ट्रीय पार्टी मात्र 6 है
और आपका उसमें नाम नहीं आता है तो पहले इसको सुधारिए। अल्प ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है जी। दूसरी बात, चिराग पासवान जी ने कहा है कि जमुई मेरी कर्म भूमि रही है, वहां से कोई भी जाएगा क्योंकि जमुई हमारे पाले में आई है, तो कोई भी लोजपा रामविलास का जो प्रतिनिधि रहेगा जो तो जीतेगा वो चिराग पासवान के कॉन्टैक्ट में ही रहेगा, और जमुई की जनता कभी भी परेशान होगी तो चिराग पासवान जी उनके लिए खड़े होंगे। दूसरी बात है, हाजीपुर को चुनने का बड़ा सिंपल सा कारण है सर कि वो एक लेगेसी सीट रही है हमारे दिवंगत नेता की, पुत्र होने के नाते पिता का जो अधूरा काम था उसको पूरा करना है। पर विनय जी ये तो बड़ी गलत बात है, देखो भारतीय जनता पार्टी बताती है कि वो परिवारवाद के खिलाफ है, ये कोई राजशाही नहीं चल रही है, लोकतंत्र चल रहा है, और अब आप परिवार परिवार के चक्कर में जो है जामुई को छोड़कर हाजीपुर जा रहे हो, ये मोदी जी के साथ कैसे हो, उनके विचार के खिलाफ काम करते हो और मोदी जी के साथ रहते हो, आप ऐसा कैसे कर लेते हो भाई? डॉक्टर साहब 30 सेकंड में, अब सवाल सर किधर से ही पूछे उत्तर हमारे पास है और मुझे लगता है कि बड़ा सटीक उत्तर दूंगा मैं। हमारे अनुसार जो परिभाषा है परिवारवाद की कि राजा का बेटा राजा ही होगा, भले वो नलायक हो, अराजकता में डूबा हुआ हो, घोटालों में डूबा हुआ हो और बेल पे बाहर हो, जैसे राजद और कांग्रेस उपयुक्त एग्जाम्पल है जी। चिराग पासवान जैसा मैंने कहा कि 3 साल पहले लोगों ने उनकी पॉलिटिकल ओबिचुरी जो है लिख दिया था, मेहनत करके अगर कोई राजा का पुत्र राजा बनता है तो उसमें मुझे लगता है। अरे वाह क्या दलील दी डॉक्टर विनी सिंह, तेजस्वी यादव 90 से ऊपर सीटें लेकर आए हुए हैं तो वो जो है नालायक हो गए, और माननीय चिराग पासवान सारी सीटों पर लड़ाकर कुल 1 सीट जीत पाए उस विधानसभा चुनाव में तो वो लायक हो गए। कमाल की परिभाषा है आपकी, अभी 3 साल की मेहनत आप चिल्ला रहे हो, एक भाजपा का साथ मिल गया तो लायक हो गए, और अभी चुनाव का नतीजा भी नहीं आया तो अभी तेजस्वी नालायक हो गए, भाई ऐसा कैसे कर लेते हो आप विनीत जी? सुन लिया जाए, तेजस्वी यादव बेल पे बाहर है जी, 4 साल की उम्र में लड़का करोड़पति बन जाता है जी। तो आप क्या सीट की बात नेता के साथ मिला सकते हैं? नेता में नैतिकता होना चाहिए जी, ताकि वो समाज और देश को लेके आगे चल सके। क्या चिराग पासवान में एक भी दाग है? भले हाँ बस एक ही सीट है, 6 सीट में से 6 सीट जीता था हमने, 100% का स्ट्राइक रेट था जी। और मैं ये गर्व से कहता हूं कि नीतीश कुमार जी को नंबर 3 पे लाने पे हमारा रोल था, लेकिन हम अनैतिक नहीं है, हम चोर नहीं है जी, घोटालेबाज नहीं है, हम बेल पे बाहर नहीं है जी। लेकिन जब गठबंधन हुआ है और जब बड़े उद्देश्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं तो कुछ कुछ छोटी चीजों को भूलना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ छोटी छोटी चीजों को भूलकर आगे बढ़ रहे हैं, दरअसल कुल मिला के समीकरण की बात है, मुकेश त्यागी ने बता दिया, उपयोग का जमाना है, समीकरण का जमाना है, वर्तमान में समीकरण में चिराग पासवान जितने मुफीद हैं उतने पारस पासवान नहीं है। तो देवजानी जी को सलाह है मुकेश त्यागी जी की, अघोषित रूप से अपने आप को उपयोगी बनाइए, उपयोगी बनाइए तो फिर से साथ आइए, नहीं तो जब तक हमारे उपयोग के लायक चिराग पासवान है उन्हें उपयोग में लिया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। विनीत जी इसी बात में मुक्त है कि भाजपा ने हमें उपयोग के लायक मान लिया है और भाजपा के साथ बनकर हम फिर एक बार करिश्मा करेंगे, भले ही अलग रह के हम बिहार में एक ही विधानसभा सीट जीत पाए हों पर अपने हिस्से की मिली 6 सीटें भाजपा के साथ हमने जीत कर दिखाई दी, अब भले ही हमारी सीटें 6 से 5 कर दी गई पर 5 ही 5 जीत जाएंगे और अपने आप को प्रासंगिक दिखाएंगे। तो बहरहाल चुनाव दिलचस्प है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को दिलचस्प बनाने के लिए, पर आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आप सर प्रणाम, कल फिर मिलेंगे।